हमारे धरने प्रोटेस्ट को जो 22 जून 2022 को शुरू हुआ था, 22 जून 2023 को एक साल होने वाला, और इस एक साल के पीरियड के दौरान अलग अलग अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, लेकिन हमारा मसला ज्यों का त्यों है। जो हमने रेगुलर प्रोसेस अंडर SRO 64 कहा था वो अभी तक नहीं हल हुआ। 22 मई को जो हम एक बड़ा और उग्र प्रदर्शन करने वाले थे डिपकॉम जम्मू जी के कहने पे, हम लोगों ने उसको डेफर किया, लेकिन हमारा जो 22 जून का प्रोग्राम हो वो अभी तक स्टैंड है। अगर सरकार की तरफ से को लिंगरान किया जाता है तो 22 जून को बहुत बड़े भव्य पैमाने पे एक प्रोग्राम होगा, क्यों हम नहीं चाहते टकराव, लेकिन सरकार अभी तक ढिलमुल नीति सरकार की तरफ से, हम आज भी आपके माध्यम से सरकार से अपील करते हैं, हमारी मुख्य मांगे SRO 64 के तहत रेगुलर प्रोसेस और 72 महीने का पेंडिंग। तीसरी हमारी डिमांड, जो हमारा साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, अपना जवानी यहाँ देगा, अपना जान जहाँ देगा, उसके बीवी बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए और उसका पेंडिंग दिया जाए। चौथी हमारी डिमांड है, जो साथी 60 साल का हो गए, इस डिपार्टमेंट को 30-32 साल अपने जवानी का सारा पीरियड यहाँ दे गया, उसका पेंडिंग और उसको बुढ़ापा पेंशन के तौर पर कुछ रकम दी जाए। पांचवी हमारी डिमांड, अगर यूटी बनी है तो यूटी के सारे बेनिफिट, अगर परमानेंट एम्प्लॉयज को एक बच्चे का 27,000 रुपया एजुकेशन के लिए मिलता है तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं, हमें मेडिकल क्यों नहीं, हमें बाकी सुविधा क्यों नहीं, ये सारे हमारे शोषण बंद किए जाए। अदरवाइज हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो एक ही हमारा नारा है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।